नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में बात करने वाले हैं मुंगेर लोकसभा सीट की। मुंगेर की सीट से कौन बनने वाला है इस बार सांसद? इस सीट पर 2014 में एलजेपी के हिस्से में यह सीट थी, लेकिन इस बार यह एनडीए के हिस्से से जेडीयू के खाते में गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस सीट पर दावा ठोका है। जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और कांग्रेस ने नीलम देवी को यहां उम्मीदवार बनाया है। नीलम देवी विधायक हैं, अनंत सिंह उनकी पत्नी हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में मुंगेर लोकसभा की सीट पर किसका कब्जा होता है। अगर आप 2014 के चुनाव परिणाम को देखें तो उस वक्त वीणा देवी यहाँ पर एलजेपी की कैंडिडेट थी एनडीए गठबंधन से। उन्हें 3,52,911 वोट मिले थे, जबकि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को, जो जेडीयू की तरफ से 2014 में भी उम्मीदवार थे, उन्हें 2,83,827 वोट मिले थे। आरजेडी ने यहां पर प्रगति मेहता को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 1,82,971 वोट मिले थे। यहां एक और कैंडिडेट थे 2014 में जो 50,000 वोट लाने में सफल हो गए थे, अशोक कुमार सिंह, जिन्हें शिवसेना ने यहां पर कैंडिडेट बनाया था। 50,469 वोट मिले थे। ऐसे में क्या इस बार, जब अनंत सिंह ने पूरी ताकत झोंक रखी थी मुंगेर में, वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह भी पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश कर रहे थे, तो देखने वाली बड़ी बात यह कि मुंगेर लोकसभा की सीट पर लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में किसकी जीत होती है। लाइव सिटीज ने जब मुंगेर से कलेक्शन सैंपल का कलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में मुंगेर लोकसभा की सीट राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जीतते नजर आ रहे हैं। यहां पर नीलम देवी यह सीट हारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस सीट पर चुनाव नहीं जीत रही है। यहां से जेडीयू के कैंडिडेट राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर कई सारे मतभेद भी सामने आए। जब हमने सैंपल साइज को कलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग परिणाम थोड़े से अलग अलग निकल के आए। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी टफ फाइट है, और सैंपल साइज भी यही बता रहा है कि यहाँ पर फाइट काफ़ी टफ होने वाली है। लेकिन फिर भी निष्कर्ष निकल कर यह आता है कि मुंगेर लोकसभा की सीट लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में जेडीयू के खाते में जाती दिख रही है। वहीं जो दूसरी लाइव सिटीज और सीएसईपीआर ने जो एग्जिट पोल किया है, सीएसईपीआर के अकॉर्डिंग मुंगेर लोकसभा की सीट से कांग्रेस की कैंडिडेट नीलम देवी चुनाव जीतती दिख रही है, जबकि लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में मुंगेर लोकसभा की सीट पर जेडीयू के कैंडिडेट राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी अपने सीट के एग्जिट पोल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।